नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। पन्ना मध्य प्रदेश अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा एवं उषा सहयोगी महिलाओं ने नगर में निकाली रैली लगाए नारे कलेक्टर कार्यालय पन्ना में। पन्ना जो बीते 1 जून से पूरे प्रदेश के आशा उषा एवं आशा सहयोगी महिलाएं अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं और जिला मुख्यालय पन्ना में धरना प्रदर्शन एवं रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। माननीय मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन, विरोध करते हुए अपनी मांगों को पूर्ण कराने लड़ाई लड़ रही हैं। आज मंगलवार को दोपहर में पन्ना में क्षेत्र की आशा उषा एवं आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने मुख्य मार्गों में रैली निकाली और नारे लगाते हुए सरकार से मांगे पूरी करने की बात कही। इस रैली में जिला से भी महिला अधिकारी शामिल हुई। रिपोर्टर संतोष चौबे। द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है, क्या आप लोगों की मांग है और कितने सूत्री मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है? हम लोगों का प्रदर्शन बराबर 1 तारीख से आज तक चला है। आज हमारा सारे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ही ये जिला कलेक्ट्रेट में हमें आके ज्ञापन सौंपना था और हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। एक तो पहली मांग है हमारी, हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और हम लोगों को जो 7,500 रुपये मिलता है आशा सहयोगी बहनों को, उसको बढ़ा के 24,000 किया जाए। हमारी आशा कार्यकर्ता और ऊषा कार्यकर्ता बहनों को जो 2,000 रुपये मिल रहा है उसको बढ़ा के 18,000 रुपये किया जाए। हमें भी एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और हमारी रिटायरमेंट के बाद हमको भी एक मुफ्त राशि जैसे सब अधिकारी और कर्मचारियों को मिलती है वैसे हमें भी मिले। और हमारी यदि इस काल COVID-19 के बीच यदि हमारी मृत्यु होती है तो हमको भी 50 लाख रुपये एक मुफ्त राशि में मिले। हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि हम बराबर 15 दिनों से हड़ताल पे हैं। आज हमने प्रदेश स्तर पे हर जिले पे हड़ताल की हुई है और सम्माननीय कलेक्टर महोदय को आज हम ज्ञापन देने वाले हैं कि हमारी जो मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी कराई जाए, अन्यथा हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारी शासन प्रशासन और हमारे राज्य सरकार की होगी यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। इसके पहले भी कई बार आप लोगों ने प्रदर्शन किए, आप लोगों की मांग नहीं मानी गई, तो क्या करेंगे अब आप? यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे तो हमारी आशा उषा आशा सहयोगी बहनों की लहासों के ढेर लग जाएंगे, शासन प्रशासन बटोरने में लगी रहेगी यदि हमारी मांगे नहीं होती है पूरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजमा बानो है, मैं जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ पन्ना से। प्रदेश स्तरीय आप लोगों का ये प्रदर्शन हो रहा है, आप लोगों की मांग को बराबर सरकार नकार रही है, क्या करेंगे आगे आप? हमारी मांगों को सरकार नकार रही है, इसलिए हम लोग प्रदेश स्तर की लड़ाई लड़ने वाले हैं और साथ ही भूख हड़ताल स्टार्ट करने वाले हैं। अगर 2 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो हम लोग सभी बहनें भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराधना दुबे, मेरा पद जिला अध्यक्ष।